मित्रों, क्या आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं? यदि हाँ तो इन नंबर्स पर आप तुरंत कॉल करें और पता करें कि एस्ट्रो पाठशाला में कौन सा कोर्स इस समय चल रहा है और कौन सा आने वाला। नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो पाठशाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ओके, तो कल हम कर रहे थे शनि, जब हमारा टाइम खत्म हो गया। आज भी काफी लेट है, बट इट्स ओके, एटलीस्ट हम अपना शनि का खत्म कर लेते हैं। एंड आपको मैं फिर से वचन देती हूँ कि जो कोर्स है, जो सिलेबस है, वो कंप्लीट किया जाएगा, चाहे हमें एक दो या तीन दिन एक्स्ट्रा लगे। सो इट इज नॉट अबाउट 15 डेज, इट इज अबाउट द सिलेबस। सो ऑल ऑफ अस कैन टेक अ डीप ब्रेथ। एंड आज अगर आप पूछे कि ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ, तो एक छोटा सा श्लोक आपको याद दिला दूं, श्रेयांशी बहु विज्ञानी भवन्ति महात्मपि। इसका मतलब है, जो मेहनत करता है, जो अच्छे रास्ते पे चलना चाहता है, उसके जीवन में मुश्किलें मतलब बाधाएं आती ही आती हैं। और कुछ, और उसका जो नेक्स्ट लाइन है वो ये कहता है कि कुछ लोग इतने दुष्ट होते हैं कि बाधाएं भी उनको दूर से नमन करके चली जाती हैं, कि बाधाएं भी उनके साथ रहना नहीं चाहती। तो अगर बाधाएं आ रही हैं हमारी जिंदगी में, श्रेयांशी बहु विज्ञानी, इसका मतलब जो मेहनत करता है, जो अच्छे रास्ते पे चलता है, उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती ही आती है। सो ये जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है ना कि मेरे साथ ही इतनी प्रॉब्लम क्यों है, वो इतना दुष्ट है पर उसकी लाइफ इतनी अच्छी है, तो ये हमारे शास्त्रों में ही उसका जवाब दिया गया है कि वो इतना दुष्ट है कि प्रॉब्लम्स भी उससे घबरा के नमस्ते करके साइड से निकल जाती हैं। ठीक है, सो हम लोग सब कितने अच्छे हैं वो आज के नेटवर्क के प्रॉब्लम से पता चल गया। लेट्स मूव ऑन टू शनि। शनि, मैंने आपको कहा था कि सूर्य के पुत्र हैं, यम के भाई हैं, याद है ना, छाया पुत्र है, सूर्य के पुत्र हैं, उनकी माँ को छाया देवी कहा जाता है। पिता से तो उनका झगड़ा चलता है पर माँ के सामने वो झुकते हैं, और यम और यमुना दोनों के भाई कहलाते हैं। इसका मतलब है, देखिए हर स्टोरी के पीछे एक मतलब छुपा हुआ है, दैट इज वाई आई एम शेयरिंग इट विथ यू हियर। इसका क्या मतलब है कि हमारे मरने के बाद यमराज जो करते हैं, हमारे जीते जी हमारे कर्मों का फल हमें शनि देते हैं। इसीलिए जो मंत्रिमंडल है, जो दिव्य मंत्रिमंडल है, वहां पे शनि को एक दास की भी श्रेणी में रखा गया है। दास मतलब नॉट दास एज इन स्लेव, बट द पर्सन जो आपकी सेवा करता हो, सेवादार की पोजीशन दी गई है उन्हें। अगर आपको कभी याद करना पड़े तो एक छोटा सा लाइन है, शनि क्रमति सह, मतलब शनिचर, द वर्ड शनिचर आपने सुना होगा, शनि को शनिचरा भी कहते हैं। इसका अर्थात है शनि क्रमति सह, विच मीन्स कि जो धीरे चलता हो। अगर आप माइथोलॉजी देखें तो हम वहां भी कहते हैं कि शनि थोड़े से लंगड़े हैं। इसका क्या मतलब है कि वो धीरे चलते हैं, अर्थात सूर्य के चारों ओर घूमने में, एक पूरा सर्कल कंप्लीट करने में उन्हें 30 साल लगते हैं। जो भी आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, जब आप 37.5 कैलकुलेट करते हैं तो वहां भी आपको हेल्प होता है कि 30 साल में एक बारी 37.5 क्यों आती है, क्योंकि वो एक चक्कर कंप्लीट करते हैं 30 साल में। पर याद रखें, शनि को एक टीचर कहा गया है जो बहुत स्ट्रिक्ट है। देखिए, जो हमें कर्मों का फल देगा वो तो स्ट्रिक्ट होगा ही, पर वो क्यों देने आ रहा है, क्योंकि वह हमें कुछ सिखाना चाह रहा है। इसीलिए उन्हें ग्रेटेस्ट ट्यूटर या इंस्ट्रक्टर या टीचर भी कहा गया है, जो अच्छे हैं, जो नैतिकता से चलते हैं, शनि उनको हमेशा हेल्प करते हैं। जो बुरा काम करते हैं, दूसरों के साथ अन्याय करते हैं, उनके साथ वो उनको पनिश करते हैं, या मतलब उनके साथ ऐसा करते हैं कि वो समझ जाए और वो न्याय के रास्ते पे चलना
चलना शुरू करें। तो अब आप थोड़ा सा लिख लीजिए, आई एम ट्राइंग टू हरी अप बिकॉज वी आर क्वाइट लेट। शनि का जो मेटल है वो है लोहा, उनका जो जेम स्टोन है वो है ब्लू सफायर अर्थात नीलम। एक चीज नोटिस करिएगा कि जिनका शनि अच्छा है उनमें आप एम्पथी पाएंगे। एम्पथी क्या होता है? जो दूसरों का दर्द समझ सके, जो दर्द समझ सके, और जिनको जरूरत होती है, जिनका शनि अच्छा होता है वो बहुत मदद करते हैं। जनरली ये लोग मददगार होते हैं, सोसाइटी के बहुत काम आते हैं, उनकी लंबी उम्र होती है, और जनरली वो मेडिटेशन वगैरह करके अपने आप के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं। जिनका शनि अच्छा होता है दे बिकम रूलर ओवर अ लार्ज मास ऑफ पीपल। बट अक्सर शनि आपको एक उदासी देता है, एक निराशावादी बनाता है। इसका सीजन है विंटर, वेस्ट है डायरेक्शन, और बदला और प्रतिशोध ये सारा शनि से आता है। शनि कभी नहीं कहता कि वो पैसा नहीं देंगे। शनि कहता है मेहनत करो, धीरे धीरे सब मिलेगा। जिसका शनि अच्छा होगा, मतलब जब आप लोग प्रेडिक्शन सीखेंगे, अभी तो नहीं पर फिर भी लिख के रख लीजिए, वो सिंस शनि ब्लैक थिंग्स के मतलब सैटर्न रूल्स ओवर ब्लैक थिंग्स, इसीलिए आप पाएंगे कि लोहा, जो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होता है, शिकारियों के ऊपर भी वो रूल करते हैं, और क्या ब्लैक थिंग्स होती है, जो भी पुराना लोहा, लंगड़, ये सारी चीजें होती हैं, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स जो होते हैं, ये सारा आप, यस कोल आल्सो। तो आप समझ गए, ये जो काली जो चीजें होती हैं इनके रूलर शनि होते हैं। कलर इनको ब्लैक या ब्लू पसंद है, इसीलिए इनका मणि भी नीलम या ब्लू सफायर है। यस टेक्नोलॉजी, मयंक आई सी यू पोस्टेड अ क्वेश्चन। टेक्नोलॉजी जो हमारी आज की करंट जो आईटी टेक्नोलॉजी है, पर इसको हम राहु मानते हैं, क्योंकि राहु ऐसा है जैसे कि आपको सर ने अभी बताया, जो है वो दिखता नहीं, जो नहीं है वो इट्स इल्यूजन। तो हम लोग सब अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं, पर यहाँ पे लगता है जैसे हम सब साथ बैठे हुए हैं। डिस्टेंस डज नॉट मैटर, ये जो इल्यूजन है ये राहु का है। अब राहु को याद रखने के लिए हमेशा आप समुद्र मंथन की कहानी याद रखें। आपको याद ही होगा, मैं आपको पूरा समुद्र मंथन की कहानी तो अभी नहीं सुना सकती, इट्स ऑलरेडी 8:11, बट आपको याद होगा जब समुद्र से अमृत निकला तब देवों और असुरों दोनों ने कहा कि इसको हमें पीना है। विष्णु जी ने मोहिनी का रूप धरा, सारे असुरों को कहा कि तुम बैठो, सारे देवों को कहा तुम बैठो, और वो देवताओं को पिलाने लगे। याद है यहां तक? अब एक असुर था, उसने ये छलावा देख लिया, उसने सबको नहीं बताया, सारे असुरों को नहीं बताया कि मोहिनी तो विष्णु है और देखो ये सिर्फ देवों को पिला रहे हैं। What did he do? अभी अभी सर ने आपको बताया होगा, साम दाम दंड भेद, कुछ भी हो मुझे मेरा एम पूरा करना है। एम क्या है? अमृत का पान। उन्होंने क्या किया? उन्होंने देवताओं का रूप धरा। मायावी तो थे ही, तो माया से उन्होंने देवताओं का रूप धरा। इसका मतलब क्या? अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए वो जहां होंगे उस सोसाइटी में, उस एनवायरमेंट में, या वैसे लोगों के साथ अपने आप को ढाल लेंगे। दैट इज व्हाट इट मींस। उनको डिप्लोमेसी आती है, जिनका राहु अच्छा होता है डिप्लोमेसी आती है। व्हाट इज डिप्लोमेसी? दूसरे को समझाना कि आप मेरा काम करो।
दिस इज डिप्लोमेसी प्रैक्टिकली. अगर हम सारा वो काट दे कि मेरी भाषा तुम बोलो वो है डिप्लोमेसी, उसके लिए मुझे अगर तुम्हारी भाषा बोलनी पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है. सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट राहु डिड. राहु ने अपना भेष बदला और देवताओं की पंक्ति में बैठ गए. किसके बीच में बैठे? देखिए ये सारी कहानियां होती हैं हमारी सिंबोलिज्म. वो बैठे सूर्य और चंद्रमा के बीच में. सूर्य और चंद्रमा ने उन्हें पहचान लिया और शिकायत कर दी. क्या हुआ? मोहिनी ने वापस विष्णु रूप धरा और उनका गला काट दिया. तभी से हम हमेशा देखते हैं, ओके वी विल कम बैक टू दैट. तो जो बॉडी था असुर का दो हिस्सों में कट गया. जो असुरों की माता थी उन्होंने सर लिया और जो देवताओं की माता थी उन्होंने शरीर लिया. वो शरीर लेकर चली गई. किसी को भी पसंद नहीं कि एक दूसरे के बच्चे को काटा जाए. तो दोनों ने वापस उनको हील किया और जो सर वाला पोर्शन था वो राहु बना, जो बॉडी वाला पोर्शन था वो केतु बना. अब आप देखिए राहु के पास दिमाग है पर डायरेक्शन देने के लिए बॉडी नहीं है. सो जो एनर्जी है जिसका राहु स्ट्रांग है उसके पास एनर्जी है पर कभी वो नॉर्थ जाएगा फिर कहेगा नहीं नहीं मेरे को ईस्ट जाना चाहिए. अच्छा ईस्ट जाके क्या करना, चलो साउथ ईस्ट चलते हैं. भटकने का काम अगर आपने अपनी राहु को राहु का दिया हुआ एनर्जी नहीं किया कंट्रोल तो वो इंसान को बहुत भटका सकता है. पर जिसका राहु बहुत अच्छा होता है उसको डिप्लोमेसी आती है, वो अपनी एनर्जी को अच्छाइयों की तरफ यूज कर सकता है. और अगर राहु की प्लेसमेंट अच्छी हुई तो उसको प्रॉपर्टी में भी बहुत हेल्प मिलती है. दूसरी तरफ आइए केतु. केतु के पास सर नहीं है पर केतु को किसने रखा? देवताओं ने. तो केतु की हमेशा इच्छा होती है कि वो इंसान को इस जगत से लेके थोड़ा अलग कर दे, देवताओं की तरफ लेके चले. मतलब वो डिस्टेंस लाने की कोशिश करता है इस लोक में, या आप कह लीजिए दोनों लोकों में थोड़ा ब्रिज करने की कोशिश करता है, यह लोक परलोक. वो कहता है कि आप मोक्ष की तरफ चलो. इफ इट इज अ गुड राहु. अगर केतु अच्छा नहीं है तो वो आपको गुस्सा बहुत दिलाता है. राहु मैंने आपको कहा जहां बैठेगा उसकी तरह हो जाएगा. तो जब हम कुंडली देखेंगे याद रखेंगे राहु जहां बैठता है. अच्छा वी विल टॉक अबाउट दिस व्हेन वी डू द चार्ट्स, अभी हम इस बारे में बात नहीं करेंगे. केतु, अभी हमने पढ़ा था मंगल. मंगल अच्छा होता है तो कितना अच्छा कर सकता है, पर केतु आपको नेगेटिव मंगल के गुण दे सकता है. गुस्सा कराएगा, चिड़चिड़ा बनाएगा, कहेगा ये सारे घर वालों को छोड़ो. तो ये एज अ धर्म का पताका भी दिखाता है. जो साधु बन जाते हैं उनकी कुंडली में हमें केतु का प्रभाव बहुत दिखता है. अब थोड़ा सा लिखने का काम करें. अच्छा हाँ ये हमेशा याद रखिएगा, सोलर एंड लूनर इक्लिप्स, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण. चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण दोनों के बीच में बैठा था, गला काट दिया तो वो दोनों को उस दिन से दोनों से दुश्मनी है. तो राहु और केतु अगर सूर्य और चंद्रमा के साथ बैठता है तो पूरी तरीके से राहु सूर्य या चंद्रमा को ग्रसित करता है. इसे हम ग्रहण दोष कहते हैं. बाकी प्लैनेट्स के साथ डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन से वी विल टॉक अबाउट दैट लेटर. राहु का जो मेटल है वो है लेड, जिसे हम हिंदी में शायद शीशा कहते हैं. द मेटल इज LEAD, लेड.
किसी के अगर कोई क्वेश्चंस है, आई विल स्टे बैक टू डू अ क्वेश्चन आंसर सेशन, और जिनको जाना है दे कैन लीव नाउ. किसका क्वेश्चन था? इफ एनीबडी हैज अ क्वेश्चन क्विकली. अगर टैटू, ओके, एक एक चीज मुझे आपसे बात करनी है. आप लोग मेरे से रेमेडीज पूछते हैं, डेफिनेटली थोड़ा बहुत रेमेडीज मैं बताऊंगी, पर पूरा रेमेडी नहीं. एक चीज मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ, जब हम पढ़ाते हैं, स्पेशली जब सुनील सर पढ़ाते थे, उस वक्त हमें तो पक्का लगता था कि सारे प्लैनेट्स अच्छे होने चाहिए, सूर्य का अच्छा होना तो मैंडेटरी है, मून अच्छा नहीं हुआ तो जिंदगी बेकार है, राहु के बिना प्रॉपर्टी कहाँ से मिलेगी, केतु के बिना तो हमारा धर्म ही गया पानी में. देखिए, जब हम पढ़ाते हैं हमें उस एक प्लैनेट को लेके उसकी पूरी डिटेलिंग करनी होती है. अगर हम आपको नहीं बताएंगे तो आपको कैसे पता चलेगा? पर कुंडली में पूरे 9 ग्रह हैं. किसी का अगर एक भी प्लैनेट अच्छा हुआ, किसी का अगर, ध्यान से सुनिए, किसी का अगर एक भी प्लैनेट अच्छा हुआ और हमने उस प्लैनेट को आइडेंटिफाई कर लिया और व्यक्ति उस प्लैनेट के रास्ते पे चल जाता है, तो उसका सारा जीवन सफल हो सकता है. अगर 2 प्लैनेट अच्छे हो गए ये तो बहुत ही अच्छी बात है, 3 प्लैनेट में तो हम राजयोग डिक्लेयर कर सकते हैं. कुछ प्लैनेट अच्छे होंगे, कुछ खराब होंगे, कुछ आपके लिए अच्छे होंगे जो शायद दूसरे की कुंडली में खराब स्थान में है. विदाउट कुंडली एनालिसिस आप, जरूरी नहीं है कि सूर्य हर किसी के लिए पॉजिटिव हो. जब हम आगे कुंडली करेंगे तब हमें पता चलेगा मारक स्थान होते हैं, बाधक स्थान होते हैं. तो अगर वो मारक या बाधक स्थान का स्वामी है और आपने जोश में उसी को स्ट्रेंथ दे दिया तो क्या होगा? आप समझ रहे हैं मेरी बात? आपको नहीं पता आपका मंगल कैसा है, पर आपने मुझे कहते सुना है कि वो भाई का कारक है, लो भेजिए उसे और स्ट्रेंथ दो और स्ट्रेंथ दो. पर आपको क्या पता, अभी तो आप लोग सीख रहे हो. 15 दिन ऐसे करके बैठो, दिल थाम के बैठो. ये सारे क्वेश्चंस अगर आप मेरे से 16वें दिन पूछोगे, आधे से ज्यादा क्वेश्चन मैं देख के इसलिए अनदेखा कर देती हूँ क्योंकि मुझे पता है आपको 16वें दिन इसका जवाब खुद मिल जाएगा. आई होप आई एम क्लियर. तो आपको, आपके लिए क्या अच्छा है वो समझना जरूरी है. आप सोचो जिसके, आप उसको ऐसा उल्टा सोच के देखो. लोगों के किडनी में स्टोन हो जाती है, आपको पता है? अब उसने किसी क्लास अटेंड कर ली और उसको पता चला स्ट्रॉन्ग हड्डियों के लिए कैल्शियम खाना चाहिए और वो लगा कैल्शियम खाने, उसके तो पहले ही किडनी में स्टोन है, उससे तो कैल्शियम हजम ही नहीं होना. उसकी अगर एक छोटी पथरी थी तो अब तो पूरा पत्थर बन जाएगा. तो ये जो रेमेडीज हैं, दीज आर वेरी स्पेसिफिक फॉर कुंडली. मैंने नीलम पहना हुआ है, किसी ने पूछा था मैडम आपका नीलम दिखाइए, तो इसका क्या मतलब है आप सभी नीलम पहन लें? माई शनि, माई कुंडली says okay she can wear a नीलम, but can everybody do that? किसी किसी को अपना राहु स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, वो फिर डिप्लोमैट बनेगा, उसमें शक्ति आएगी. वो अगर मानो ऐसी नौकरी में है जहां पे बहुत पॉलिटिक्स होती है या कुछ भी होता हो, वहां उसको चाहिए. राहु आपसे झूठ भी बुलवाता है, राहु आपसे अत्यधिक झूठ बुलवाएगा. आप केतु को स्ट्रॉन्ग करने बैठ गए,
केतु आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाता है, कैसे? मटेरियल लॉस करा के। बट क्या वो हर भाव में ऐसा है? अगर हम स्पेशली नाइन्थ भाव देखें, we will do it later, we will not talk about now, somebody will again start writing and then I will have 10 questions ki ma'am ketu third house mein kaisa hoga, ma'am ketu panchve bhav mein. I want to ask you, have I even taught you bhavs? Maine to aapko bhav abhi bataya hi nahi hai, aapko to yahi nahi pata ki kaun sa bhav kis cheez ke liye hai. Mere se aaj ke class mein jo Sunil sir ne padhaya, maine padhaya, उसका क्वेश्चन जरूर पूछिए. अनम्यूट करें क्योंकि अब हम सिर्फ 70-75 लोग रह गए हैं. अनम्यूट करें, मेरे से आप क्वेश्चन पूछें आज की क्लास के लिए या पीछे का जो हो रखा है, मतलब सिलेबस जितना कंप्लीट हुआ है. नो क्वेश्चंस? चले फिर. अंशु, यू हैव एनी क्वेश्चंस? आई कांट हियर यू. अच्छा, सॉरी, मैं सोच रही हूँ किसी का क्वेश्चन नहीं है बट कोई अनम्यूट नहीं कर पा रहा. सॉरी, वेरी सॉरी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड टॉक टू मी. अंशु, टेल मी, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? मुझे क्वेश्चन नहीं सुनाई दिया. गुड इवनिंग मैडम. गुड इवनिंग. राहुल के तो पागल हो गए, टैटू रिलेटेड सबके पास क्वेश्चन है. टैटू रिलेटेड क्वेश्चंस, कोई बात नहीं जी. राहु केतु का क्या मेटल है? हो गया, अब हम टैटू रिमूवल तो नहीं कर सकते, तो जो हो गया सो हो गया. टैटू वालों का मैंने अक्सर देखा है, एक टैटू से उनका मन नहीं भरता, एक के बाद एक उनका टैटू चलता रहता है. तो अगर आपने एक करा लिया है तो दो ना कराएं, दो करा लिया है तो तीसरा ना कराएं. बाकी जब हम दोबारा जब हम राशियों पे आएंगे तब हम थोड़े बहुत उपाय उसमें भी देखेंगे, क्योंकि हर किसी के लिए राहु बुरा भी नहीं होता. एक्सक्यूज मी, ये मूड स्विंग्स. आप अपना नाम बताएं वरना मुझे पता नहीं चलेगा. मैडम, केतु का सिंबल क्या? केतु का मैडम सिंबल मैम. केतु का सिंबल, केतु हम कल करेंगे जी, अभी हमारी आधी क्लास जा चुकी है. हाँ जी मिली जी. मैं बहुत ज्यादा मूड स्विंग बैड इनर्जी से होता है. बहुत ज्यादा मूड स्विंग, हाँ, ये जो पीरियड के समय मेंस की जो प्रॉब्लम होती है, बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स का होना, क्या वो हमारे जब विनस बैड होते हैं तब होता है? जब हमारा क्या हो, ये हमारे मूड वगैरह ये सब जो है ये हमारे चंद्रमा की वजह से होता है. ये जो मूड स्विंग्स होता है ये टोटली मन से रिलेटेड है और ये मन की वजह से ही होता है. ओके मैम, थैंक यू. आप कुछ, हेलो, आप अपना नाम बताइए वरना मेरे को भी रेडियो वाली फीलिंग आ रही है. हेलो, हाँ, मैं बीरेंद्र शर्मा. हाँ जी बीरेंद्र जी. मेरा लग्न में राहु है, उसके लिए क्या करना होगा? जब हम भाव करेंगे राशियों के बाद, जब हम भाव करेंगे तब आपको समझ आएगा कि आपका लग्नेश कहाँ गया है और कौन से राशि कहाँ बैठी है. उसके बाद हमें पता चलेगा कि लग्न के राहु का क्या इलाज करना है, करना भी है कि नहीं. हेलो, शनिदेव से रिलेटेड एक क्वेश्चन है. जी मैडम. नाम बताइए. गौरंग बोल रहा हूँ. हाँ जी गौरंग जी. राहु केतु का मेटल क्या है? केतु हम कल करेंगे. राहु का मेटल है लेड, LEAD, लेड, जिसे हम हिंदी में शीशा भी कहते हैं जी. नेक्स्ट क्वेश्चन. हेलो मैम, शनिदेव से रिलेटेड क्वेश्चन है. हेलो मांझी, कौन? रामकिशोर आचार्य बोल रहे हैं. रामकृष्ण आचार्य. रामकिशोर जी, रामकिशोर बोल रहे हैं. हाँ बोल रहे हैं मैडम. राहु का कलर, राहु का कलर
ब्राउन कलर। राहु का कलर होता है ब्लैक एंड व्हाइट, जो धुएं का जो रंग होता है। अच्छा मिक्स, ब्लैक एंड व्हाइट मिक्स, ग्रे, ग्रे स्केल तो ग्रे स्केल। हेलो हेलो हेलो, मैं सुनील बोल रहा हूँ। हेलो हाँ जी, गुरमी जी क्या प्रश्न क्या है? तो राहु केतु का कलर। अच्छा अच्छा अच्छा, राहु का कलर होता है कोका कोला कलर जो होता है वो राहु का कलर है, और केतु का धुएं वाला। हाँ धुएं वाला। थैंक यू सर एंड थैंक यू मैडम। सर मेरा एक क्वेश्चन है, सर एक क्वेश्चन है, शनिदेव रिलेटेड एक क्वेश्चन। अंकुर, अंकुर जी बताएं। यस मैम, अंकुर नाम है और शनिदेव रिलेटेड क्वेश्चन ये है कि शनिदेव जैसे स्लो चलते हैं तो स्लो रिजल्ट देते हैं, तो आपने बोला कि पॉजिटिव रिजल्ट भी देंगे बट स्लो देंगे, और वो ये चाहते हैं कि आप कर्म करो। तो क्वेश्चन ये है कि अदर प्लेनेट से कंपेयर अगर करें तो हर प्लेनेट भी आपको कर्म के हिसाब से ही फल देगा, जितने आप कर्म करेंगे उसी के हिसाब से फल देगा, बट शनिदेव थोड़ा और ज्यादा डिले करते हैं, तो वो ऐसा क्यों है? और वो क्या इसी लाइफ में मिल जाएगा? डिले मतलब क्या? डिले डिले मतलब कि वो नेक्स्ट लाइफ में भी जा सकता है? किस बेसिस पे डिले होता है? मतलब वो आपकी मेहनत चेक करना चाहते हैं। अच्छा, मतलब आप कितनी मेहनत कर सकते हैं? ओके हेलो मैडम, मैं दुर्गेश कुमार बोल रहा हूँ। कौन जी? दुर्गेश कुमार बोल रहा हूँ। दुर्गेश, दुर्गेश। अच्छा, मैं पहले अंकुर जी के सवाल का जवाब दे लूं। हाँ ना? फिर मैं दुर्गेश जी आपसे बात करती हूँ। हाँ जी अंकुर जी। हाँ मैडम जी। मैम तो आपने कहा कि वो आपके आपका हार्ड वर्क चेक करना चाहते हैं, राइट? आपकी हार्ड वर्क, आपकी ईमानदारी। ओके। आप जो आपके यहाँ जो नौकरी करता हो, आप उससे क्या चाहते हैं? हार्ड वर्क, लॉयल्टी, राइट? वो भी यही चाहते हैं। ओके, तो एज कम्पेयर टू अदर प्लेनेट थोड़ा ज्यादा लॉयल्टी और थोड़ा ज्यादा हार्ड वर्क बोल सकते हैं हम, दैट्स व्हाई वो थोड़ा होल्ड करके रखते हैं रिजल्ट। वो देखिए, वो सर्विस के लॉर्ड हैं। ओके, आप मानिए आपके यहाँ कोई काम करने आया, आप उससे पूरा काम लेते हैं, जब आप उससे खुश होते हैं या उसके रिटायरमेंट पे या जब वो छुट्टी जाता है, तभी आप उसको एक मोटी अमाउंट देके भेजते हैं। करेक्ट करेक्ट, सो पेशेंस इज रिक्वायर्ड या समझ एंड हार्ड वर्क। यस जी मैडम, मेरा और क्वेश्चन है। एक सेकंड, दुर्गेश जी का सवाल था। हाँ मैडम, राहु कितने साल में एक चक्कर लगाता है? राहु कितने साल में चक्कर लगाता है? मुझे तो अभी एकदम याद नहीं आ रहा, रुकिए मैं आपको बताती हूँ। वन मिनट, आई विल टेल यू। काफी बार मैं भी भूल जाती हूँ। जी मैडम 18 साल। 18 मिनट। 18 साल। मेरे को अभी याद नहीं आ रहा, आई डोंट नो व्हाई। 18 मंथ। 18 मंथ। एक सेकेंड, आई विल टेल यू। राहु स्टेज, राहु, दुर्गेश जी आर यू लिसनिंग? राहु स्टेज इन वन साइन, एक राशि में वो 1.5 इयर्स रहते हैं, एक मतलब 18 महीने। अगर हम 18 महीनों को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 साल ही आएंगे। मैडम मेरा एक और क्वेश्चन है, गौरंग बोल रहा हूँ। गौरंग जी, मैं दुर्गेश जी के सवाल का जवाब देकर आप तक आ जाऊंगी। हाँ मैडम, ठीक है। तो इसी तरह चलिए लिख लीजिए, फिर कोई इसको क्लास में पोस्ट कर दीजिएगा। दुर्गेश जी का सवाल अच्छा था, तो मैं भूल जाने से पहले हम यही कर लेते हैं। सूर्य एक राशि में
एक महीना रहते हैं, चंद्रमा रहते हैं 2.25 डेज, मतलब 54 आवर, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 मंगल एक राशि में दो दिन, यस सवा दो दिन, तो वो घंटों में आपका, रुको फिर भूल गई, 54 आवर्स हो गया। यस मैम। मंगल रहता है एक राशि में 49 डेज। यस मैम। मरकरी या बुध रहता है एक महीने के लिए, वीनस भी एक महीने के लिए, जुपिटर 361 दिन, 361 डेज। अक्षय प्लीज म्यूट योरसेल्फ। जुपिटर कितने दिन है? शनि स्टेज फॉर 2.5 इयर्स, 30 साल। राहु स्टेज इन वन साइन फॉर 1.5 इयर्स, केतु स्टेज इन वन साइन फॉर 1.5 इयर्स। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, चेक कर लीजिए। सूर्य 1 मंथ, चंद्रमा 2.25 डेज, मार्स 49 डेज, मरकरी 1 मंथ, वीनस 1 मंथ, जुपिटर 361 डेज, सैटर्न 2.5 इयर्स, राहु 1.5 इयर्स, केतु 1.5 इयर्स। दुर्गेश जी आपका सवाल बहुत अच्छा था। थैंक यू मैडम, थैंक यू, थैंक यू। हाँ, अब मेरा क्वेश्चन ना, आप पहले गौरांग का क्वेश्चन लेना है, मैंने उनको वेट कराया हुआ। गौरांग जी, शनि क्या फिजिकल प्लैनेट नहीं है, क्या छाया ग्रह है? शनि फिजिकल प्लैनेट तो है, पर वो अपनी छाया में काम, इट इज नॉट अ ब्राइट प्लैनेट, इट इज अ डार्क प्लैनेट। शनि छाया ग्रह नहीं है, छाया ग्रह हम राहु और केतु को मानते हैं, पर शनि के छाया में बहुत काम होता है। हम राधर, अगर आप कभी शनि मंदिर जाएं, तो हम उन्हें कहते हैं कि आप अपनी दृष्टि हमसे फेर लो। हम कभी नहीं कहते आप अपनी दृष्टि हम पे दो, हम बाकी मंदिरों में जाके कहते हैं अपनी कृपा दृष्टि दो, हमें अपनी दृष्टि हम पे दो, पर शनि मंदिर में हम ये नहीं कहते, हम चाहते हैं कि आप अपनी दृष्टि फेर लो, हम आपकी छाया में रहें। गौरांग, एम आई क्लियर? जी जी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन किसका था? मैम मेरा। मनीषा बताओ जी। हेलो मैम, आपने कहा अजय जी, आई एम ऑलरेडी टेकिंग मनीषा'स क्वेश्चन, गिव मी 2 मिनट्स। मनीषा जी, मैं बोलूं? हाँ जी मैम, आपने कहा तो सनी एक राउंड लगाता है 30 इयर्स, राइट? यस। हेलो, तो मैम मगर सनी की दशा तो 19 साल की आती है। दशा अलग चीज होती है। अच्छा अच्छा। विंशोत्तरी दशाएं अलग होती है, 75 अलग होती है, सब ये अलग चीजें होती हैं। तो मैम वो तो 7.5 तो सनी की दशा में ही जब आएगा तभी तो 7.5 होगा। जब हम 7.5 हमारे टॉपिक में है, मैं आपको 7.5 बहुत अच्छे से समझा के भेजूंगी, आप चिंता ना करें। अच्छा मैम, एक बहुत जरूरी, विंशोत्तरी दशाएं नहीं करेंगे इस कोर्स में। ओके मैम, एक क्वेश्चन और है मेरा, बोलूं? हाँ जी बोलो। मैम आप एडवांस कोर्स भी लोगे, माने इसके बाद में नया कोर्स में? इसके बाद मेरा एक कोर्स ऑलरेडी प्लान्ड है जो वेल्थ एंड फाइनेंस से रिलेटेड है, वो मेरा बहुत ही प्रिय कोर्स है,
उसमें हम समझाते हैं कि पैसा कैसे कम और घर में लाया जाए। मैम ऐसा कोई कोर्स नहीं जिसमें सारे टॉपिक्स कवर होंगे एडवांस लेवल पे जो कि हमारे बजट में हो। मैम नहीं, आप देखिए आप बजट की इतनी चिंता ना करें, हमारे कोई भी कोर्सेज अनरीजनेबल नहीं होते। जैसे मैम ये बहुत हमारे बजट के अंदर था, बहुत एक्सट्रीम लेवल बजट के अंदर था। देखिए ये हमारा इसमें तो आपसे सिर्फ रजिस्ट्रेशन फीस लिया गया है और ये भी सर ने मेरे पे बहुत कृपा करी है कि मैंने कहा कि सर मुझे ये करना है तो ना सिर्फ मतलब चलो मैं अपनी फीस नहीं ले रही पर इंस्टीट्यूट का भी जो लॉस हो रहा है सर ने कहा कि चलो ठीक है। मतलब तभी तो मैं इनको इतना मानती हूँ कि मेरे चक्कर में उन्होंने कहा कि चलो ठीक है जो हमने एड चलाए तो हमने एड चलाए उसका भी खर्चा रजिस्ट्रेशन फीस से नहीं आता। बट ही वेंट टू द एक्सटेंट ऑफ सपोर्टिंग मी एंड माय डिजायर कि सर मुझे बहुत मिला है मेरे देने की इच्छा है वरना ये जो साइंस है ना ये हमारी सोसाइटी से गायब हो जाएगी और अगर ये साइंस गायब हो गई तो हमारा सनातनी धर्म गायब हो जाएगा। नहीं वो तो ठीक है मैम बट नेक्स्ट जो आपका कोर्स आ रहा है वो हमारे क्या बजट में आप उसकी चिंता अभी से क्यों कर रही हैं? आपको हमारे फीस का क्या पता, अभी से टेंशन ना लो, चिल मारो चिल। हेलो रजत जी, चिल मारो जी। मैडम मैडम मैं ये जानना चाहता हूँ जिस तरीके से केतु ग्रह का संबंध कुत्ते शिव कहता है कुकुर से, राहु का संबंध किस पशु से है? मछली। मछली राहु तो आप देखिए एक सेकंड राहु का जो मोशन है मैं आपको ऐसे समझाती हूँ कि आप दोबारा भूलेंगे नहीं। इट इज लाइक दिस और लाइक दिस, अप एंड डाउन। यस लाइक अ स्नेक जी, ऑसिलेशन। अगर आपने फिजिक्स में पढ़ा हो तो मछली आपको ऐसे ही चलती हुई मिलेगी जी। केतु को हम कुत्ते से क्यों एसोसिएट करते हैं? हर कुत्ते से नहीं एसोसिएटेड है, दो रंग के कुत्ते से एसोसिएटेड है जी। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि देखिए एवरीथिंग इज वेरी लॉजिकल, दिस इज अ वेरी लॉजिकल साइंस। केतु को हम दो कलर का मानते हैं जी। तो इसीलिए आप अगर आपको कोई केतु का दान कहे तो वो आपको दो रंग का कंबल बोलेगा, वो कहेगा दो रंग के कंबल, चलते हुए साधु को दो रंग का कंबल दो, चलते हुए साधु को दो रंग का कंबल दो। जी तो राहु हुआ सांप, सॉरी मछली। पर हम अभी इस इतने डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, इतना हमें इस डेप्थ में अभी जरूरत नहीं है, हमें कुछ अपने एडवांस कोर्स के लिए भी रखने दीजिए। जी जी तो राहु मछली हुआ ना मैडम? हाँ जी। मूवमेंट देखिए ना जी जी, मैं आपको मूवमेंट दिखा रही हूँ जी। राहु कभी आपको सीधी चाल तो चलेगा ही नहीं जी? नहीं, कभी नहीं, वो तो खुद ऐसे ऐसे चल रहा है जी जी। अच्छा मिली ने काफी देर से हाथ उठाया हुआ है, मिली श्रीवास्तव। हाँ यस मैम। हेलो। हाँ जी मैम, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। मैम आपने कल बोला था ये पीसीओडी। हेलो। आई सेड पीसीओडी। हाँ ये शुक्र कील, जब आप विनस बता रहे थे। ओके।
हेलो क्वेश्चन प्लीज। हाँ मैम, तो ये पीसीओडी की जो समस्या होती है, जब हमारा शुक्र खराब होता है तब होती है? इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। ये अगर मैं ये चीज मैं इसीलिए मैं आपको अगर मैं बताऊं और आप मेरी बात को मान के आप डॉक्टर के ना जाएं, तो बहुत गड़बड़ हो जाता है। क्योंकि इस लेवल पे एस्ट्रोलॉजिकल लेवल पे ट्रीटमेंट करना ऐसा नहीं है कि नहीं होता। एस्ट्रोलॉजिकली हम आयुर्वेद के थ्रू ट्रीटमेंट करते हैं, बट उसके लिए हमें आपकी कुंडली देखना पड़ेगा, हमें आपकी नाड़ी चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि इन ट्रीटमेंट में बहुत टाइम लगता है। क्योंकि देखिए, हम एक एस्ट्रो बॉडी को, एस्ट्रोलॉजिकल बॉडी को हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं अपने अंदर। जो खराब हुआ है वो उस प्लैनेट के प्लैनेट की एनर्जीज खराब हुई है, इसलिए हमारे अंदर हम उसको अगर एनर्जी लेवल पे ठीक करें, और मानिए आपका केस बहुत आगे बढ़ चुका हो, डॉक्टर आपको, आप मेरी तरफ से सोचिए, व्हाई आई कैन नॉट टॉक अबाउट द ट्रीटमेंट राइट नाउ इज आई डू नॉट नो यू। मे बी डॉक्टर्स हैव रेकमेंडेड ऑपरेशन और मैं आपको उपाय बताऊं। You understand the gravity of the situation? I will be stuck in a medical legal case. नहीं नहीं मैम, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, मैं बस जानकारी के लिए पूछ रही हूँ। ऐसी जानकारी ऑनलाइन क्लासेस में देना मतलब मेडिकली, आप नहीं पूछ रहे, बट इस क्लास में किसी ने लिख के किसी तीसरे को ये उपाय बता दिया। जी पीसीओडी का उपाय तो मुझे ये बताया गया है, एस्ट्रो पाठशाला विल बी इन मेडिको लीगल केस। आप मेरी प्रॉब्लम होपफुली समझ रहे हैं। वन टू वन फिर भी बताया जा सकता है, बट नॉट इन ऑनलाइन क्लास जहां रिकॉर्डिंग हो रही हो। वी डू नॉट नो रिकॉर्डिंग कहां पहुंचेगी। नेक्स्ट पता चला जी किसी केस में बोला जा रहा है उर्मी जी ने पीसीओडी का ये ट्रीटमेंट बोला था जिसकी वजह से फलाना केस बिगड़ गया। सॉरी मैम, सॉरी। आई अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन, बट आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाई आई कैन नॉट आंसर ऑन एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। यस मैम, मैं समझ गई। हाँ तो मेडिकल मेडिकल उपाय मैं ऑनलाइन नहीं बताती, लीगल उपाय बताना तो फिर भी ठीक है, भी क्या हो जाएगा, बट मेडिकल प्रोफेशन के साथ ऑनलाइन ना बाबा, इट्स लाइफ। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड टॉक टू मी। मिली प्लीज म्यूट योरसेल्फ। पंकज, डू यू हैव अ क्वेश्चन? जी मैम। हाँ जी बताइए। मैम जी, जो राहु की दशा, क्या राहु की दशा चालू रही तो कौन सी प्रॉब्लम आती है? किसी को पंकज जी का क्वेश्चन सुनाई पड़ रहा हो तो वो प्लीज मुझे जोर से बता दे। मुझे राहु की दशा रहने पर कौन सी प्रॉब्लम आती है, मतलब व्यक्ति को कौन सी परेशानी आती है? राहु से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम है, छल कपट में फंसना और भी जितनी प्रॉब्लम्स आती हैं, राहु सबसे पहले तो आपकी बुद्धि को ही भ्रष्ट कर देगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके अंदर ही आएगी जब आप खुद सही और गलत में फर्क नहीं कर पाएंगे, जब आप खुद ही गलत रास्ते पे चल देंगे। मैम जी, मैंने कुंडली चेक की थी, मेरे कुंडली में बताया कि 2024 तक राहु की दशा है, 2006 से। तो जब हम कुंडली करेंगे, जब मैं खुद आपकी दशाएं देखूंगी, हम तब बात करेंगे, पर्सनल कुंडली अभी नहीं डिस्कस करेंगे। मैडम क्वेश्चन जी, गौरंग बोल रहा हूँ। गौरंग, मैं आपके दो क्वेश्चंस ले चुकी हूँ, हम अब आगे किसी और के क्वेश्चन लेंगे।
और वैसे भी अभी 9 बजने वाले हैं, सुनील सर को ये लॉगिन आईडी चाहिए होगा, उनकी दूसरी क्लास शुरू होने वाली है। आई विल टेक वन मोर क्वेश्चन, वेट। अमन गौरव सराफ मैम, मुझे पूछना था कि अमन, आई नीड टू सी यू ऑन स्क्रीन। सॉरी मैम, मैं अभी छत पे आ गया था। We will take your question tomorrow then, Aman. Yeah, ma'am. Abhi chalte hai. It is 8:53. Aman, the reason I said no, you need to understand. Kaafi bar mujhe awaaz theek se nahi aati, par agar main usko aamne saamne dekh rahi hu, to main ek andaaza laga leti hu ki kya bola ja raha hai, kya poocha ja raha hai. To agar aap screen pe nahi honge, mujhe ekdam samajh nahi aata. पंकज, क्या मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया है? नहीं मैम। यस मैम जी, मैं क्या बोल रहा, जैसे राहु की दशा में आप उसको सुधारने के लिए, मतलब जैसे कोई भी काम करने जाओ उसमें परेशानी आती है, मतलब मन डाइवर्ट रहता है उसमें, मतलब दिमाग भी डाइवर्ट रहता है। माँ दुर्गा की पूजा। दुर्गा की पूजा, माँ दुर्गा की पूजा से मतलब धीरे धीरे कंट्रोल में हो जाएंगे। राहु का उपाय ही है माँ दुर्गा की पूजा। माँ दुर्गा से जुड़े हुए जो स्तोत्र होते हैं, जो आपके मन को एनर्जी देते हैं। और मैडम, मेरे जैसे पंचम भाव में, पंचम भाव में राहु के साथ चंद्रमा बैठा है, और उसका क्या कारण होगा? पंचम भाव में बैठ गया। हाँ, माँ दुर्गा की पूजा। और पर से केतु के साथ सूर्य, अब केतु भी मतलब पूरे ग्रह दो साइड में, एक साइड में केतु है 11वें भाव में। कोई बात नहीं। और पांचवें भाव, जब एक पांचवें भाव, बात नहीं, एक बारी बोल दिया माँ दुर्गा की पूजा, तो माँ दुर्गा की पूजा करो, शांति मिल जाएगी। अपने अपने आप, मतलब मुझे पता है अभी बहुत मुश्किल है मेरी बात पे विश्वास करना, पर अपने आप पे विश्वास करो। मुझे पता है आपकी मनस्थिति ऐसी है कि कभी आपका मन खुश होता है तो कभी दुखी होता है, कभी आप अपने पे विश्वास नहीं कर पाते। आप अपने लिए हुए फैसलों को बार 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 रिकंसिडर करते हो, क्या मैंने सही किया, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए, क्या मुझे फलानी चीज करनी चाहिए। मुझे पता है ये आपके साथ हो रहा, आपको बताने की जरूरत नहीं है। माँ दुर्गा की पूजा करो, माँ दुर्गा ही आपको शक्ति देंगी। वो जगत की माता है, जगत जननी है, आपको वो छोड़ेंगी नहीं। पर उनको, माँ बच्चे को तब तक गोद में नहीं उठाती जब तक बच्चा पुकारता नहीं है। माँ फटाफट अपने घर का काम निपटाती है, सब सारे काम करती है कि नहीं? जी मैम। तो वो तो जगत जननी है, सोचो उनके पास कितना काम है। जी मैम। जब तक आप उनको पुकारोगे नहीं, रो रो के नहीं कहोगे माँ मुझे संभालो, कैसे होगा? और जी मैम, उसमें जैसे जैसा राहु और चंद्रमा रहा तो उसमें पितृ दोष का भी उत्पन्न होता है। बस बस बस, एक उपाय बता दिया, पहले करना तो शुरू करो। जी मैम। सूर्य के साथ उठो, सूर्य को जल देना शुरू तो करो। मैम जी, सूर्य को जल कंटिन्यू देता हूँ मैं। हाँ, सूर्य को जल कंटिन्यू देता हूँ, बोला मतलब पर डे देता हूँ। तो अब अगर इतने दिनों से दे रहे हो तो सूर्य नमस्कार कब शुरू करोगे? सूर्य नमस्कार गायत्री मंत्र है, सूर्य नमस्कार है, माँ दुर्गा की पूजा है, बहुत सारे उपाय हैं पंकज। सबसे पहले अपने आप को खुश रखो। मैम गायत्री मंत्र भी मैं रोज एक माला करता हूँ सुबह। एक माला से क्या होता है? एक माला से क्या होता है? जो भी कुछ करो कम से कम 20 मिनट तो करो। एक माला से कुछ नहीं होता।
मैं पूजा में 2 घंटे तो करता हूँ जप, जो मतलब जो भी जप करना है, स्त्रोत पढ़ना है, एक से 1.5 घंटा करता हूँ मैम। अच्छी बात है, किया करो किया करो। और कोई सवाल? पंकज, मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया ना, आर यू हैप्पी? थैंक यू मैम। सिमी? हाँ जी मैम। हेलो। हाँ जी सिमी। हाँ जी मैम, राहु की दशा हमेशा बुरी होती है ना, बैड इफेक्ट होते हैं इसके ना? अच्छी भी होती है? अच्छी भी होती है, फिर हमेशा राहु ये को तो, ये तो कुंडली पे डिपेंड करता है ना, यही मैं सबको समझा रही हूँ। आप सारी चीजों का उपाय मांग रहे हो, क्या पता वो चीज आपके लिए अच्छी हो। तो जो उपाय, फॉर एग्जाम्पल, लेट मी गिव यू वेरी गुड एग्जाम्पल, किसी के पेट में दर्द हो रहा है, डॉक्टर दुर्गेश आई हैव आंसर्ड मेनी क्वेश्चंस फॉर यू, कम हियर, आंसर वन क्वेश्चन फॉर मी। पेट का दर्द, पाँव का दर्द, सारा एक ट्रीटमेंट में होता है जी? नहीं नहीं, अलग 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 अलग। मैं आके कहूँ मेरे को दर्द हो रही है और आप मुझे दवाई दे दो, आप और जो दवाई आप मुझे दोगे वही दवाई आप सिमी, स्मिता और वर्तिका को दोगे? नहीं, पहले डायग्नोस करो, उसके बाद क्या बॉडी क्या परेशान। मेरी ना मानो तो डॉक्टर की मानो, मैं क्लास को यही कहूंगी। डायग्नोस ठीक है जी, डायग्नोस, कुंडली तो खोलो, अब चले 9 बज गए, व्हाट्सएप पे जरूर लिखे अपने पंचम भाव को स्ट्रेंथ दे। गुड नाइट, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि मैम। शुभ रात्रि मैम।